हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू स्टडी आईक्यू में आपका स्वागत है। मैं मोहित जिंदल इस वीडियो में लेकर आया हूं करंट अफेयर्स वीकली का सेट 6। दोस्तों, इस सेट को लाने में थोड़ा सा विलंब हो गया, मेरा गला थोड़ा ख़राब था, लेकिन अब मैं बिल्कुल ठीक हूं और इसके लिए मैं बहुत बहुत क्षमा चाहता हूँ। और दोस्तों, जैसा कि हम हर सेट में एक हफ्ते के जो मेंस के करंट अफेयर्स डिस्कस करते हैं, तो ये जो सेट है ये बेसिकली 8 से 13 जुलाई के अखबारों से लिया गया मटेरियल है। और इसके लिए दोस्तों प्राइमरी सोर्स जो मैं रेफ़र करता हूँ वो द हिंदू अखबार और द इंडियन एक्सप्रेस अखबार, जो कि दो मेन पब्लिकेशन माने जाते हैं सिविल सर्विसेज प्रिपरेशन के लिए, उनसे मैं ये सेट प्रिपेयर करता हूँ। ये है मेरी इंट्रोडक्शन और आप इस PDF को डाउनलोड कर सकते हैं StudyIQ वेबसाइट से या मेरे टेलीग्राम चैनल और फेसबुक ग्रुप से। दोनों का ही IAS प्रेप विद मोहित है। इसके अलावा इंटरेस्टिंग अपडेट्स के लिए आप मुझे फॉलो कर सकते हैं फेसबुक, ट्विटर और इंस्टाग्राम पे। मेरा हैंडल है Jindal8Mohit। तो दोस्तों, शुरू करेंगे 8 से 13 जुलाई के करंट अफेयर से। सबसे पहले हम पॉलिटी के जो इंपॉर्टेंट चीजें न्यूज में रही मेंस के हिसाब से, उन पर नजर डालेंगे। तो सबसे पहले बात करेंगे रजिस्टर ऑफ इंडिजिनस इनहैबिटेंट्स ऑफ नागालैंड। दोस्तों, आप सबको पता है नेशनल रजिस्टर ऑफ सिटीजन्स जो कि है, जो कि असम सरकार जो है उसको अपडेट कर रही है, और वो बेसिकली ये पता लगाने के लिए है कि कौन सिटीजन है और कौन जो है वो बाहर से आया है। और इस प्रोसेस को करने के बाद हो सकता है पॉसिबल डिपोर्टेशन हो जाए ऐसे इलीगल इमिग्रेंट्स की जिनका नाम NRC में ना आए। तो दोस्तों, ये जो रजिस्टर ऑफ इंडिजिनस इनहैबिटेंट्स ऑफ नागालैंड है RIIN, इसको आप एक तरह से लोकलाइज्ड वर्जन मान सकते हैं NRC की, जो कि नागालैंड सरकार कर रही है। इस रजिस्टर में होगा क्या? इस रजिस्टर में बेसिकली ये पता लगाया जाएगा कि कौन इंडिजिनस इनहैबिटेंट है और कौन नहीं। अब जो इंडिजिनस इनहैबिटेंट नहीं होगा, ऐसा हो सकता है फ्यूचर में, अभी यह बात क्लियर नहीं है, कि जो इंडिजिनस इनहैबिटेंट नहीं होगा उसे हो सकता है कि स्टेट से बाहर निकाल दिया जाए। तो ये भी एक ऑनगोइंग इंटरेस्टिंग डेवलपमेंट है दोस्तों, जिस पर नज़र रखनी काफ़ी ज़रूरी है, क्योंकि कई बार UPSC की आदत होती है कि कई बार वो एक बहुत ही बारीकी का कुछ सवाल, मतलब जो आपको एक्सपेक्टेड ना हो, वो आ जाता है। तो इस तरह का एक सवाल बनाया जा सकता है कि RIIN एक्सरसाइज जो है वो क्या है और इसकी फ्यूचर में इम्प्लीकेशंस क्या हो सकती हैं नॉन इनहैबिटेंट्स के लिए, और इन जनरल नॉर्थ ईस्ट की पीस, स्टेबिलिटी और सिक्योरिटी के लिए इस तरह के रजिस्टर की क्या इम्प्लीकेशंस हैं। और इसको NRC से जोड़ के भी सवाल पूछा जा सकता है। तो इस चीज़ पे आप खास ध्यान रखें RIIN ये न्यूज़ में किस तरह से इवॉल्व होता है। अब हम बात करेंगे रिफ्यूजी वर्सेस इलीगल इमिग्रेंट्स की। तो दोस्तों, सुप्रीम कोर्ट के अंदर दो रोहिंग्या जो आपको पता है म्यांमार की रखाइन स्टेट से भाग के जो है, वो मतलब एक परसिक्यूटेड कम्युनिटी है, तो वो भाग के जो म्यांमार के आसपास के जो देश हैं, खासकर इंडिया, बांग्लादेश, इन सब में जाके वो सेटल हो गए हैं। ठीक है, तो इंडिया में ये सेटल्ड हैं जम्मू, हैदराबाद, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, दिल्ली, NCR, राजस्थान एरियाज़ में। ठीक है, तो इन्होंने एक पिटिशन डाला है जिसमें उन्होंने ये कहा है कि भाई इंडिया जो है उसका एक कॉन्स्टिट्यूशनल फ़र्ज बनता है कि वो उनको प्रोटेक्ट करें। अब इसके काउंटर में एक जो सोलिसिटर जनरल हैं, उन्होंने सवाल पूछा कोर्ट से कि बिफोर गोइंग इन टू द क्वेश्चन कि हम इनको सिटीजनशिप दें या ना दें, इनको रेफ्यूजी स्टेटस दें या ना दें, हमें सबसे पहले ये क्वेश्चन को सॉल्व करना चाहिए कि क्या इंडियन सरकार, जो भारत सरकार है, वो इलीगल इमिग्रेंट्स को, कुड दे इवन बी कंसिडर्ड फॉर अ रेफ्यूजी स्टेटस। अब दोस्तों, इसके अंदर एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है समझने वाली। उन्होंने कहा है कि हमें ये क्वेश्चन पहले सॉल्व करना पड़ेगा कि क्या हम इलीगल इमिग्रेंट्स को रेफ्यूजी स्टेटस दे भी सकते हैं या नहीं दे सकते। अब ये सवाल इसलिए उठा क्योंकि इलीगल इमिग्रेंट्स जो होते हैं, उनकी जो मोटिवेशन होती है या जो उनका रीज़न होता है, इट इज़ नॉट नेसेसरली बिकॉज दे आर परसिक्यूटेड इन द कंट्री, कि किसी कंट्री में वो ज़रूरी नहीं है कि परसिक्यूटेड होते हैं, वो इकोनॉमिक इंटरेस्ट यानी कि इकोनॉमिक अपॉर्चुनिटी, नौकरी के लिए भी माइग्रेंट बन सकते हैं, इलीगली किसी और देश में जा सकते हैं। जैसे कि एग्जांपल के तौर पे बांग्लादेश से काफ़ी इलीगल इमिग्रेंट्स जो हैं वो असम के अंदर सेटल्ड हैं। ठीक है, असेंशली विच इज़ द कोर रीज़न वाई NRC एक्सरसाइज इज़ बींग डन। ठीक है, तो यहाँ पे ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो कि अब सुप्रीम कोर्ट सॉल्व करेगा। इट विल एग्जामिन दिस क्वेश्चन कि क्या हम इलीगल इमिग्रेंट्स को रिफ्यूजी स्टेटस दे सकते हैं या नहीं दे सकते, क्योंकि रिफ्यूजी स्टेटस के लिए इंपॉर्टेंट होता है कि वो कम्युनिटी परसिक्यूटेड कम्युनिटी हो, यानी कि उसको दूसरा जो उसकी होम कंट्री है वहाँ पर उसको जान और माल का खतरा हो, इसीलिए वो माइग्रेट करें हैं।
तो ये जो अब क्वेश्चन है ये सुप्रीम कोर्ट सॉल्व करेगा, ठीक है। तो ये दोस्तों जनरली एक ऑनगोइंग डेवलपमेंट है इस केस के अंदर, जो कि रोहिंग्यास का ब्रॉडर इशू चल रहा है कि इस क्राइसिस को हम कैसे सॉल्व करें। तो दोस्तों इसके अराउंड अगर क्वेश्चन आता है तो उसके अंदर ये इन्फॉर्मेशन आप ज़रूर लिख सकते हैं कि अब सुप्रीम कोर्ट खुद एग्जामिन कर रहा है इस चीज़ को, उसके बाद इस पिटिशन के ऊपर वो अपना फैसला सुनाएगा कि क्या इनको रिफ्यूजी स्टेटस जो है वो देना चाहिए कि नहीं देना चाहिए। तो इस प्ली के अंदर जैसा कि आपको इस सब चीज़ के बारे में तो पता ही होगा कि इंटरनेशनल कन्वेंशंस कहते हैं प्रिंसिपल ऑफ नॉन रिफ्यूलमेंट। प्रिंसिपल ऑफ नॉन रिफ्यूलमेंट का मतलब ये होता है कि मान लो म्यांमार से भागे हुए लोग इंडिया आ गए, तो इंडिया जो है वो अकॉर्डिंग टू इंटरनेशनल कन्वेंशनल जो है उसके अकॉर्डिंगली नॉन रिफ्यूलमेंट के तहत वो वापस उस कंट्री में डिपोर्ट नहीं कर सकते जिस कंट्री से वो अपनी जान बचाकर भागे हैं, ठीक है। तो इंटरनेशनल लॉ प्रोहिबिट्स द डिपोर्टेशन ऑफ रेफ्यूजीज टू अ कंट्री वेयर दे फेस अ थ्रेट टू देयर लाइव्स। तो प्रिंसिपल ऑफ नॉन रिफ्यूलमेंट ये आपको ज़रूर पता होना चाहिए, क्योंकि रिफ्यूजी के ऊपर अगर कोई क्वेश्चन आता है तो बगैर इस प्रिंसिपल के मेंशन किए आपका जो आंसर है वो सरासर अधूरा है, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं, अब देखते हैं कि क्रिमिनल लॉ के अंदर क्या हो रहा है। इंटरनेशनली दो जो क्राइम्स हैं, क्राइम्स अगेंस्ट ह्यूमैनिटी और जेनोसाइड क्राइम्स आइडेंटिफाई किए जाते हैं। इसमें से जो क्राइम्स अगेंस्ट ह्यूमैनिटी है इट इज़ डेल्ट अंडर द रोम स्टैट्यूट ऑफ द इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट, जिसका इंडिया मेंबर नहीं है। तो इंडिया इज नॉट अ पार्टी टू द रोम स्टैट्यूट, इसका मतलब ये है कि इंडिया ने अलग से लेजिस्लेशन क्राइम्स अगेंस्ट ह्यूमैनिटी को डील करने के लिए नहीं बनाया है। सिमिलरली इंडिया ने जेनोसाइड कन्वेंशन जो है 1948 की उसको साइन कर दिया था और रेटिफाई भी कर दिया था, लेकिन रेटिफिकेशन के बाद भी इंडिया ने जेनोसाइड को डील करने से, यानी कि जेनोसाइडल क्राइम से डील करने के लिए एक सेपरेट लेजिस्लेशन नहीं बनाया है। तो यही यहाँ पे लिखा है कि नाइदर क्राइम्स अगेंस्ट ह्यूमैनिटी नॉर जेनोसाइड हैज़ बीन मेड पार्ट ऑफ इंडियाज क्रिमिनल लॉ। और ये जो लैकुना है ये पॉइंट आउट किया रिसेंटली जस्टिस एस मुरलीधर ऑफ द दिल्ली हाई कोर्ट, जब उन्होंने फैसला सुनाया स्टेट वर्सेस सज्जन कुमार केस के अंदर। और दोस्तों ये जो केस था स्टेट वर्सेस सज्जन कुमार, ये केस बेसिकली था जो 1984 में एंटी सिख रायट्स हुए थे इन द आफ्टरमाथ ऑफ असैसिनेशन ऑफ इंदिरा गांधी और ऑपरेशन ब्लू स्टार। तो उसके बाद जो ये हुआ मास किलिंग ऑफ सिख्स स्पेशली दिल्ली रीजन में और इन अदर पार्ट्स ऑफ कंट्री एज वेल, तो उस केस के अंदर जस्टिस एस मुरलीधर ने कहा कि इंडिया को ये एक सेपरेट लेजिस्लेशन बनाना चाहिए, क्योंकि ये जो क्राइम था, ये जो एंटी सिख राइट्स हुए थे, ये बेसिकली एक पॉलिटिकली मोटिवेटेड क्राइम अगेंस्ट ह्यूमैनिटी जो है उसमें इसको माना जा सकता है, ऐसा जस्टिस मुरलीधर ने कहा। तो ये एक इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट है कि इंडिया को अपने क्रिमिनल लॉ के अंदर, तो मेंस में सवाल इस तरीके से आ सकता है कि क्राइम्स अगेंस्ट ह्यूमैनिटी और जेनोसाइडल क्राइम्स को डील करने के लिए इंडिया के पास क्या जो लीगल फ्रेमवर्क है वो एडिक्वेट है या नहीं है, कमेंट कीजिए। तो ये काफ़ी अच्छा सवाल बनता है। तो इन लाइट ऑफ ये जो रिसेंट दिल्ली हाई कोर्ट के जज का जो स्टेटमेंट है, ये क्वेश्चन बहुत प्यारा फ्रेम हो सकता है। अब दोस्तों मैं आपको बताना चाहता हूँ कि इंडिया ने जो रोम स्टैट्यूट को ऑब्जेक्ट किया है, मतलब वो किन ग्राउंड्स पे किया है, हम लोग रोम स्टैट्यूट का पार्ट क्यों नहीं है, ठीक है। तो इंडिया ने बेसिकली जो क्राइम्स अगेंस्ट ह्यूमैनिटी की डेफिनेशन है रोम स्टैट्यूट में, उसके खिलाफ तीन ऑब्जेक्शंस उठाई हैं। पहली ऑब्जेक्शन ये है, इंडिया जो है वो वाइडस्प्रेड और सिस्टमैटिक जो वर्ड है उसको यूज़ करने के फेवर में नहीं है। इसको मैं आपको समझाता हूँ कि इसकी डेफिनेशन पहले देख लेते हैं कि क्या है, तब आपको ज़्यादा बेटर समझ में आएगा। तो क्राइम्स अगेंस्ट ह्यूमैनिटी कैसे डिफाइन किए जाते हैं रोम स्टैट्यूट में, ये जानते हैं। तो CAH आर डिफाइंड एज ऑफेंसेस सच एज मर्डर, एक्सटर्मिनेशन, इंस्लेवमेंट, डिपोटेशन, टॉर्चर, इम्प्रिजनमेंट एंड रेप, कमिटेड एज अ पार्ट ऑफ वाइड स्प्रेड और सिस्टमैटिक अटैक डायरेक्टेड अगेंस्ट एनी सिविलियन पॉपुलेशन विद नॉलेज ऑफ द अटैक, ठीक है। तो यहाँ पे दोस्तों ये जो सारी चीज़ें हैं, मर्डर, एक्सटर्मिनेशन और ये सब चीज़ें, ये अगर वाइड स्प्रेड या सिस्टमैटिक अटैक हो तब हम उसको क्राइम अगेंस्ट ह्यूमैनिटी कंसिडर करते हैं। तो इंडिया ने ये कहा है कि वाइड स्प्रेड और सिस्टमैटिक की जगह, मतलब इस डेफिनेशन में तो अभी ये है कि या तो वाइड स्प्रेड हो या सिस्टमैटिक हो, इंडिया ने कहा है कि इसमें एंड लगा दिया जाए कि अगर एक अटैक वाइड स्प्रेड भी हो और सिस्टमैटिक भी हो तो हम उसको क्राइम अगेंस्ट ह्यूमैनिटी कंसिडर करेंगे।
तो दोस्तों ये पहला ऑब्जेक्शन है। और इंडिया ने ऐसा क्यों कहा है, इंडिया ने ऐसा इसलिए कहा है क्योंकि जब आप वाइड स्प्रेड एंड सिस्टमैटिक कर देंगे तो इसका मतलब ये है कि एक क्राइम को टू बी एलिजिबल एज अ क्राइम अगेंस्ट ह्यूमैनिटी एक हायर थ्रेशोल्ड चाहिए होगा कि वो वाइड स्प्रेड भी होना चाहिए और सिस्टमैटिक भी होना चाहिए। ठीक है, तो अगर हम अभी हम बात करें एंटी सिख राइट्स की, अगर वो दिल्ली रीजन में ही ज़्यादा थे तो इसका मतलब वो ज़्यादा वाइड स्प्रेड नहीं थे, दे वर सिस्टमैटिक। ठीक है, लेकिन अगर आप वाइड स्प्रेड और सिस्टमैटिक लगा देते हैं तो इस तरह की जो चीज़ें हैं वो भी इस डेफिनेशन में आ जाएंगी और इंडिया को रोम स्टैट्यूट के अकॉर्डिंग जो वो डोमेस्टिक लेजिस्लेशन बनाएगा उसके तहत उन क्रिमिनल्स को चार्ज करना पड़ेगा और ट्रायल पे डालना पड़ेगा। ठीक है, तो ये थी पहली ऑब्जेक्शन। दूसरी ऑब्जेक्शन जानते हैं, दूसरी ऑब्जेक्शन इंडिया ने ये कहा है कि इंडिया को एक डिस्टिंक्शन चाहिए बिटवीन इंटरनेशनल एंड इंटरनल आर्म्ड कन्फ्लिक्ट्स। ये डिस्टिंक्शन इसलिए चाहिए क्योंकि इंडिया के जो इंटरनल आर्म्ड कन्फ्लिक्ट्स हैं जैसे नक्सलाइट्स के साथ या मिलिटेंट्स जो हैं कश्मीर के या नॉर्थ ईस्ट के, अगर ये डिस्टिंक्शन होगी तो वो उनसे ज़्यादा बेटर डील कर पाएगी। ठीक है, तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है कि वो क्राइम्स अगेंस्ट ह्यूमैनिटी के अंदर वो फॉल कर जाएगा। तीसरी ऑब्जेक्शन क्या है कि इंडिया कह रही है कि इन्फोर्स्ड डिसअपेरेंस ऑफ पर्सन अंडर क्राइम अगेंस्ट ह्यूमैनिटी, ये वाला जो क्लॉज है इसको लेके ऑब्जेक्शन है। इसको लेके ऑब्जेक्शन क्या है, इंडिया ने यूएन इंटरनेशनल कन्वेंशन फॉर द प्रोटेक्शन ऑफ ऑल पर्सन फ्रॉम इन्फोर्स्ड डिसअपेरेंसेस जो है वो साइन कर रखा है बट रेटिफाई नहीं कर रखा। और अगर इंडिया इस चीज़ को ऑब्जेक्ट नहीं करती तो जो इन्फोर्स्ड डिसअपेरेंस है क्राइम्स अगेंस्ट ह्यूमैनिटी में, जैसे अब कश्मीर में ये काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम है कि काफ़ी मिसप्लेस्ड इन्फोर्स्ड डिसअपेरेंस है लोगों की, तो वहाँ पे ये एप्लीकेबल हो जाएगा और फिर जो कश्मीर के अंदर इंडिया की जो मिलिट्री स्ट्रैटेजी है वो अंडर क्वेश्चन आ सकती है अंडर रोम स्टैट्यूट। ठीक है, तो दोस्तों ये तीन खास ऑब्जेक्शंस हैं जो कि आपको पता होनी चाहिए क्राइम्स अगेंस्ट ह्यूमैनिटी की डेफिनेशन के अगेंस्ट जो इंडिया ने उठाई हैं। अब हम आगे बढ़ते हैं, ह्यूमन राइट्स की बात करेंगे। तो दोस्तों ह्यूमन राइट्स की जो एक्ट है उसमें कहा गया था कि हर डिस्ट्रिक्ट के अंदर स्पेशल ह्यूमन राइट कोर्ट्स बनाए जाएंगे ह्यूमन राइट ऑफेंसेस को स्पीडी ट्रायल देने के लिए। सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि लगभग एक दशक, मतलब वन फोर्थ ऑफ अ डेकेड ये एक्ट को पास हुए काफ़ी टाइम हो गया है लेकिन अभी तक इस चीज़ में कोई कार्रवाई नहीं हुई है। एक्सक्लूसिव ह्यूमन राइट्स कोर्ट्स कहाँ हैं हर डिस्ट्रिक्ट में, ऐसा सुप्रीम कोर्ट ने पूछा है केंद्र सरकार से, राज्य सरकार से और यूनियन टेरिटरी से। ठीक है, तो दोस्तों इस एक्ट के अंदर ये था कि हर डिस्ट्रिक्ट में ह्यूमन राइट कोर्ट बनाने और स्पेशल पब्लिक प्रोसिक्यूटर्स असाइन करने हैं। ठीक है, तो ये एक इंपॉर्टेंट चीज़ है। अब हम आगे बढ़ते हैं वाटर डिस्प्यूट ट्रिब्यूनल। तो दोस्तों इसके अंदर एक काफ़ी अच्छी डेवलपमेंट हुई है, कैबिनेट ने एक इंटर स्टेट रिवर वाटर डिस्प्यूट अमेंडमेंट बिल पास किया है। कैबिनेट ने, कैबिनेट जब पास करती है उसके बाद वो बिल इंट्रोड्यूस होता है पार्लियामेंट में। ठीक है, तो कैबिनेट ने ये बिल अप्रूव किया है। इसके अंदर एक बहुत इंपॉर्टेंट फीचर है जिसके लिए मैंने ये न्यूज़ यहाँ डाली है, वो है कि एक सिंगल ट्रिब्यूनल बनाया जाएगा परमानेंट जो होगा, जिसके अलग अलग बेंचेस होंगे। ठीक है, अभी क्या होता है कि हर रिवर वाटर डिस्प्यूट के लिए अलग ट्रिब्यूनल बन जाता है, तो इस बिल के पास होने के बाद ये होगा कि एक सिंगल परमानेंट ट्रिब्यूनल होगा वाटर डिस्प्यूट को सॉल्व करने के लिए और उसके ट्रिब्यूनल के अलग अलग बेंचेस होंगे। ठीक है, तो ज़्यादा ऑर्गेनाइज्ड और ज़्यादा बेटर स्टेबल सिस्टम हो जाएगा और एक स्ट्रिक्ट टाइमलाइन भी सेट की जाएगी एडजुडिकेशन के लिए और इस ट्रिब्यूनल को परमानेंट एस्टेब्लिशमेंट, ऑफिस स्पेस, इंफ्रास्ट्रक्चर सब कुछ दिया जाएगा। और ये जो अलग अलग ट्रिब्यूनल बनाने की जो प्रतिक्रिया है हर वाटर डिस्प्यूट के लिए, ये एक टाइम कंज्यूमिंग प्रोसेस हो जाता है। तो इस अगर ये बिल पास हो जाता है तो सिंगल ट्रिब्यूनल होने की वजह से टाइम भी बचेगा। इसके अलावा बिल क्या क्या प्रोवाइड करता है ये भी जानना बहुत ज़रूरी है क्योंकि मेंस के हिसाब से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकता है। तो बिल ये कहता है कि एक डिस्प्यूट रेजोल्यूशन कमेटी बनाई जाएगी सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा जो कि इंटर स्टेट रिवर वाटर डिस्प्यूट्स को एमिकेबली सॉल्व करने की फाइट मारेगी, कोशिश करेगी विद इन 18 मंथ्स। ठीक है, तो 1.5 साल के अंदर ये डिस्प्यूट रेजोल्यूशन कमेटी जो है वो कोशिश करेगी कि एमिकेबली विदाउट गोइंग ऑन प्रॉपर ये ट्रिब्यूनल में वो सॉल्व हो जाए। अब अगर ये कमेटी सॉल्व नहीं कर पाती है तो फिर ये जो सवाल है ये ट्रिब्यूनल के पास जाएगा। ठीक है, तो इट विल बी रेफर्ड टू द ट्रिब्यूनल फॉर इट्स एडजुडिकेशन। तो दोस्तों ये जो डिस्प्यूट जो होगा ट्रिब्यूनल में जो रेफर होगा, इट विल बी असाइंड बाय द चेयरपर्सन ऑफ द ट्रिब्यूनल टू अ बेंच ऑफ द ट्रिब्यूनल फॉर एडजुडिकेशन। तो जो ट्रिब्यूनल के चेयरपर्सन होंगे वो एक बेंच को ये असाइन कर देंगे जो केस होगा। इसके अलावा बिल ने एक बहुत इंपॉर्टेंट और क्रिटिकल प्रोविजन है,
अभी तक आपको पता है कि टेक्निकल एक्सपर्ट्स को इंक्लूड करने का कोई प्रावधान नहीं है, तो इस बिल के अंदर वो चीज़ को रेक्टिफाई किया गया है. देर इज अ प्रोविजन टू हैव अ टेक्निकल एक्सपर्ट एज द हेड ऑफ द ट्रिब्यूनल, नॉट जस्ट मेंबर बट एज हेड ऑफ द ट्रिब्यूनल. करंटली ऑल ट्रिब्यूनल्स आर स्टाफ्ड बाय मेंबर्स ऑफ द जुडिशरी नॉमिनेटेड बाय द चीफ जस्टिस. तो अभी ट्रिब्यूनल के सारे मेंबर जो हैं वो जुडिशरी के ही होते हैं, चीफ जस्टिस उनको अपॉइंट करते हैं. इस बिल के बाद टेक्निकल एक्सपर्ट्स को ट्रिब्यूनल का हेड बनाने का प्रोविजन भी आ जाएगा. तो ये दो इंपॉर्टेंट क्रिटिकल चेंजेस हैं, एक तो परमानेंट एस्टैब्लिशमेंट ऑफ ट्रिब्यूनल एंड सेकंड इंक्लूजन ऑफ टेक्निकल एक्सपर्ट्स. ठीक है, और तीसरा पॉइंट जो इंपॉर्टेंट है वो है डिस्प्यूट रेजोल्यूशन कमिटी का. तो ये तीन पॉइंट खास याद रखें अगर ये सवाल एग्जाम में आता है तो. ठीक है, और इसके अलावा जो लेटेस्ट दो तीन ट्रिब्यूनल पड़े हैं उसके नाम भी देख लेना इंटरनेट से और वो भी आंसर में लिखाना. ठीक है, आगे बढ़ते हैं. अब यहाँ पे दोस्तों मैं बताना चाहता हूँ कि और कुछ इंपॉर्टेंट बिल्स हैं जो कि न्यूज़ में रहे, जो कि आने वाले टाइम में डेवलप होंगे. पहला ये है कैबिनेट ने ट्रांसजेंडर पर्सन्स प्रोटेक्शन ऑफ राइट्स बिल 2019, इसको भी पास कर दिया गया है क्योंकि इसकी प्रीवियस वर्जन जो थी वो लैप्स कर गई थी. इसके अलावा पॉक्सो प्रोटेक्शन ऑफ चिल्ड्रन फ्रॉम सेक्शुअल ऑफेंसेज एक्ट 2012, जिसमें ऑफेंस करने वाले को डेथ पेनल्टी तक की सजा है, तो ये जो है इसको भी अमेंडमेंट को भी कैबिनेट ने पारित किया. तीसरा जो इंपॉर्टेंट बिल है वो ये है बैनिंग ऑफ अनरेगुलेटेड डिपॉजिट स्कीम्स बिल. ये बिल का पर्पस है पॉन्जी स्कीम्स को रेगुलेट करना. पॉन्जी स्कीम्स बेसिकली क्या होती हैं कि जब आप एक से पैसे लेते हैं और उसमें से उसको हायर रिटर्न देते हैं, ऑफर करते हैं, तो दूसरे से पैसे लेके उसको रिटर्न दे देते हैं, तो इस तरह से आप पूरी एक चेन बना देते हैं. ठीक है, तो जिसमें कोई रियल एसेट नहीं होता, मनी सर्कुलेशन स्कीम्स होती हैं. ठीक है, तो उनको बैन करने के लिए ये बिल लाया जा रहा है. तो ये तीन और इंपॉर्टेंट बिल्स हैं जो कि आपको पता होने चाहिए. इनको हम आने वाले सेट्स में जैसे जैसे ये इवॉल्व होगा हम डिस्कस ज़रूर करेंगे. आगे बढ़ते हैं, इकोनॉमी की बात करेंगे. तो इकोनॉमी के अंदर सबसे पहले बात करते हैं, आरबीआई ने एक बहुत इंपॉर्टेंट स्टेप उठाया है. उन्होंने एक 3 ईयर रोड मैप बनाया है टू स्ट्रेंथन रेगुलेटरी एंड सुपरवाइजरी मैकेनिज्म ऑफ द सेंट्रल बैंक. ठीक है, तो इस जो रोड मैप का नाम है वो है उत्कर्ष 2022. अभी इसकी डिटेल ज़्यादा नहीं पता है, लेकिन आपको ये ज़रूर पता होना चाहिए कि आरबीआई अपना गवर्नेंस स्ट्रक्चर को और रोबस्ट बनाने के लिए उत्कर्ष 2022 जो कि 3 ईयर रोड मैप है वो लेकर आ रहा है. आगे बढ़ते हैं, लेबर लॉज के अंदर काफ़ी रिफॉर्म्स हो रहे हैं. आपको पता है कि 4 कोड्स बनाने की बात हुई थी. अभी 44 लेबर लॉज हैं, उनको मर्ज करके 4 कोड यानी कि 4 बिल 4 मेन एक्ट बनाने की बात हो रही थी, जिसमें से अभी काफ़ी प्रोग्रेस हो गई है. तो एक जो बिल अभी आया है लेटेस्ट जो सरकार लेकर आई है वो है ऑक्यूपेशनल सेफ्टी हेल्थ एंड वर्किंग कंडीशंस पे, जो कि हर उस एस्टैब्लिशमेंट पे अप्लाई करेगा जिसमें 10 से ज़्यादा वर्कर्स काम करते हैं. तो ये जो कोड है ये कैबिनेट ने पास कर दिया है और अब ये पार्लियामेंट में इंट्रोड्यूस होगा. तो दोस्तों ये जो ऑक्यूपेशनल सेफ्टी वाला बिल है, दिस विल इंपैक्ट 40 करोड़ अनऑर्गेनाइज्ड वर्कर्स एंड दिस वॉज सेकेंड ऑफ द 4 प्रपोज्ड कोड्स. क्योंकि इससे पहले जो कोड था वो था कोड ऑन वेजेस बिल, जो कि सरकार अप्रूव कर चुकी है और पार्लियामेंट में इसको जल्द ही पास किया जाएगा. तो दोस्तों ये है लेबर लॉज की बात. कोड ऑन सेफ्टी का ध्यान रखें कि लेबर लॉज में ओवरऑल जो रिफॉर्म्स हो रहे हैं उस पर आपका एक ग्रिप होना चाहिए कि क्या क्या हो रहे हैं, क्या पास हो चुके हैं, कौन सा अभी आ रहा है और इसके प्रोविजंस क्या हैं. ठीक है, आगे बढ़ते हैं इंटरनेशनल रिलेशन, डिफेंस और सिक्योरिटी की तरफ. BCIM कॉरिडोर की बात करेंगे. BCIM कॉरिडोर क्या है? बांग्लादेश चाइना इंडिया म्यांमार कॉरिडोर. ठीक है, तो दोस्तों ये जो कॉरिडोर था ये ठंडे बस्ते में चला जा चुका था, लेकिन अब इसका रिवाइवल हो रहा है. रिवाइवल क्यों हो रहा है? क्योंकि बिश्केक के अंदर मोदी जी और शी जिनपिंग जी मिले और उन्होंने डिसाइड किया कि हमें ये कॉरिडोर बनाना चाहिए अगर हम विकास की राजनीति जो है वो करना चाहते हैं तो. ठीक है, तो अब हुआ क्या कि बिश्केक के अंदर तो मोदी जी और शी जिनपिंग जी की बात हो गई, उसके बाद जो बांग्लादेश की प्राइम मिनिस्टर हैं शेख हसीना जी, वो चाइना गई, तो वहाँ पे वो शी जिनपिंग से कुछ बातें करके आई. तो वहाँ पे उन्होंने बातों बातों में कहा कि BCIM कॉरिडोर जो है वो हम इंडिया की सपोर्ट के साथ ज़रूर इम्प्लीमेंट करेंगे. तो एक तरह से इस प्रोजेक्ट की जो रिवाइवल है वो हो रही है. ठीक है, और वुहान समिट जो लास्ट ईयर हुई थी उसके बाद चाइना ने कहा था कि चाइना इंडिया प्लस कोऑपरेशन जो है, यानी कि एक जॉइंट अप्रोच टूवर्ड्स इश्यूज इन द रीजन, जिसमें रोहिंग्या रिफ्यूजी क्राइसिस भी है, नेपाल अफगानिस्तान ईरान इन सब के अंदर जो इनिशिएटिव्स ले रहे हैं उसमें भी एक जॉइंट अप्रोच जो है वो एडवोकेट करी है चाइना ने एज पार्ट ऑफ चाइना इंडिया प्लस कोऑपरेशन. ठीक है, तो ये दो तीन बातें हैं, इंपॉर्टेंट कुछ टर्म्स हैं, कैची टर्म्स हैं, ये आपको आंसर में ज़रूर लिखना चाहिए, आपको एक्स्ट्रा मार्क्स फेच हो सकते हैं. चाइना इंडिया प्लस कोऑपरेशन.
आगे बढ़ते हैं, चाइना बांग्लादेश में देखते हैं क्या चल रहा है। जैसा कि मैंने आपको बताया कि बांग्लादेश की जो शेख हसीना है वो वहाँ गई हुई हैं, तो वहाँ कुछ बातें चल रही हैं। तो बांग्लादेश ने कहा है चाइना को कि यार हमें 100 इकोनॉमिक जोन्स जो हैं वो बनाने के लिए पैसा चाहिए, और इसके अलावा जो ट्रेड इम्बैलेंस है, आपको पता है चाइना का तो हर ऑलमोस्ट हर कंट्री के साथ, हमारी जो आसपास वाली कंट्रीज हैं उन सबके साथ ट्रेड इम्बैलेंस है, तो बांग्लादेश ने ये मुद्दा भी उठाया। इसके अलावा चाइना के जो राष्ट्रपति हैं उन्होंने कहा बांग्लादेश को हमारा जो डिजिटल सिल्क रोड का प्रोजेक्ट है उसको भी सपोर्ट करना चाहिए। ठीक है, तो ये कुछ इंपॉर्टेंट बातें हैं चाइना बांग्लादेश में जो चल रही हैं, जिनका बेयरिंग इंडिया पे भी हो सकता है। आगे बढ़ते हैं, यूएस और श्रीलंका के बीच में क्या चल रहा है। श्रीलंका के राष्ट्रपति ने अनाउंस किया है कि वो अपनी गवर्नमेंट को अलाउ नहीं करेंगे टू कंक्लूड अ प्रपोज्ड मिलिट्री डील विच वुड अलाउ यूएस ट्रूप्स फ्री एक्सेस टू द आइलैंड पोर्ट्स। तो वो डील वो नहीं साइन होने देंगे जिससे यूएस की आर्मी को श्रीलंका के पोर्ट्स का फ्री एक्सेस मिले, इस चीज़ को मना करने के लिए। कुछ भी हो सकता है, जाहिर सी बात है, अगर मतलब इंडिया के तो बिल्कुल इंटर है वो फ्री एक्सेस आइलैंड जो उन्होंने यूनाइटेड, लेकिन एक एक्ट है ताइवान रिलेशंस एक्ट अमेरिका की जो कांग्रेस ने पास करी है, जिसके तहत यूएस और ताइवान अपने रिलेशंस को कंडक्ट करते हैं। तो यूएस जो है वो वन ऑफ द लार्जेस्ट सप्लायर है ऑफ आर्म्स टू ताइवान। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है, और आपको पता है कि जाहिर सी बात है ना जो है वो ताइवान को अपना हिस्सा बनाना चाहता है, अपना हिस्सा मानता है। ठीक है, और यूएस जो है वो इस चीज़ को एक तरह से काउंटर बैलेंस, पावर बैलेंस करने के लिए यूज़ करता है, वो ताइवान की मदद करता है फॉर सेल्फ डिफेंस। ठीक है, तो यूएस जो है वो जो मैंने आपको लॉ बताया ताइवान रिलेशंस एक्ट, इट इज़ बाउंडेड बाय दैट लॉ टू हेल्प प्रोवाइड इट विद द मीन्स टू डिफेंड इटसेल्फ। ताइवान को अपने आप को बचाने के लिए जो भी चीज़ चाहिए वो यूएस उसको प्रोवाइड कराने के लिए प्रतिबद्ध है ताइवान रिलेशंस एक्ट के तहत। ठीक है, तो यूएस जो है वो मेन आर्म्स सप्लायर है ताइवान का, ये बात आपको ज़रूर पता होनी चाहिए कि यूएस चाइना में खासकर ये जो डेवलपमेंट्स हैं, जो ट्रेड वॉर चल रहा है उसके चलते ये जो गर्मा गर्मी है ये काफ़ी देखने को मिल रही है दुनिया में, कब कहाँ यूज़ हो सकता है आंसर में ये क्वेश्चन पे ही डिपेंड करता है। बस इतना है कि आपको ये सब बातें थोड़ी पता होनी चाहिए। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, ईरान डील की बात करेंगे। आपको पता है ईरान डील से यूएस ने यूनिलैटरली विड्रॉ कर लिया था 2018 में, और उसके बाद यूएस ने सैंक्शंस लगा दिए थे ईरान पे। इसके बाद ईरान ने कहा था कि जो बाकी सिग्नेटरीज हैं वो उस डील को फिक्स करें। मई 2019 में ईरान ने 60 दिन की डेडलाइन दी थी जो बाकी सिग्नेटरीज थे इस डील के, कि वो इस डील को रिवाइव करें, लेकिन 60 दिन लगभग हो गए और उसके बाद उन्होंने कुछ भी नहीं किया। तो इसके रिस्पॉन्स में इंडिया, ईरान ने जो लो इनरिस्ट यूरेनियम है LEU, उसकी जो स्टॉक पाइलिंग है उसकी लिमिट को क्रॉस कर दिया है। तो वो 300 केजी का कैप था जो कि ईरान जो है वो वायलेट कर चुकी है। तो दिस इज़ द फर्स्ट टाइम ईरान हैज़ वायलेटेड द मल्टीलैटरल अग्रीमेंट जो कि साइन हुआ था। फिर ईरान ने ये भी अनाउंस किया कि वो इनरिचमेंट लिमिट जो है यूरेनियम की उसको भी बढ़ा देगा 3.67% से। तो अभी 3.67% तक अलाउड है, लेकिन अब ईरान ने कहा है कि वो इसको भी ब्रीच कर देगा। ठीक है, तो दोस्तों काफ़ी इंस्टेबिलिटी का माहौल हो रहा है वेस्ट एशिया के अंदर। अगेन इट इज़ एन ऑनगोइंग थिंग, अभी धीरे धीरे इवॉल्व हो रहा है। ठीक है, तो इसकी स्टेप्स की वजह से काफ़ी ज़्यादा इंस्टेबिलिटी वहाँ पे हो रही है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, इंटरनल सिक्योरिटी थ्रेट्स को डील करने के लिए इंडिया जो है वो ऑटोमेटिक फेशियल रिकॉग्निशन सिस्टम लेकर आ रहा है, जिससे बेसिकली ये एक सिस्टम होगा जो कि क्रिमिनल्स का फेशियल डेटाबेस जो है वो स्टोर करके रखेगा, और ये जो इमेजेस हैं वो सीसीटीवी फीड और इन सब से उठाएगा, और अगर वो डेटाबेस से मैच हो जाती हैं तो वो एक अलर्ट जारी करेगा। ठीक है, तो 1.5 करोड़ क्रिमिनल्स का जो डेटा है वो प्लान किया है टू स्टार्ट विद, और ये CCTNS का पार्ट है, क्राइम एंड क्रिमिनल ट्रैकिंग नेटवर्क एंड सिस्टम, जो कि पुलिस को मॉडर्नाइज करने के लिए भी प्रोजेक्ट है, और इन जनरल ये काफ़ी एक रोबस्ट सिस्टम जो है वो इंडिया तैयार कर रही है इंटरनल सिक्योरिटी के लिए। और दोस्तों अब इस पूरे केस में कंसर्न क्या है, जब आप ऑटोमेटिक फेशियल रिकॉग्निशन सिस्टम ले आएंगे तो इंडिया के पास डेटा प्रोटेक्शन लॉ तो है नहीं, तो जो डेटा प्रोटेक्शन को लेके सारा क्रिटिसिज्म है वो आप अपने आंसर में लिख सकते हैं। अनऑथराइज्ड एक्सेस हो जाएगा डेटाबेस का, एक्सीडेंटल मॉडिफिकेशंस हो सकते हैं, कॉन्फिडेंशियलिटी इंटीग्रिटी और अवेलेबिलिटी जो है ब्रीचेज ऑफ डेटा की ये हो सकती हैं, इंक्रिप्शन डिक्रिप्शन इंजन जो है वो भी कुछ फॉल्टी हो सकता है। तो ये जो डेटा प्रोटेक्शन लॉ है पास करना बहुत ज़रूरी है टू ला सकता है GS पेपर 3 में।
आगे बढ़ते हैं, ज्योग्राफी एंड एनवायरनमेंट रिलेटेड बात करेंगे। सैटेलाइटिक ओशन के अंदर बिगेस्ट सी वीड ब्लूम जो है वर्ल्ड का, जो कि 8850 किलोमीटर वाइड 20 मिलियन टन क्लस्टर ऑफ सार्गासम एल्गी, ये मिला है अटलांटिक में। और ये जो है ये 2011 से ग्रो कर रहा है, बिगेस्ट एवर ब्लूम जो था वो 2018 में था अकॉर्डिंग टू अ पेपर पब्लिश्ड इन साइंस जर्नल। ठीक है, तो दोस्तों ये जो सार्गासम वीड है ये बेसिकली बनती कैसे, ये जो वीड होती है ये वैसे अच्छी होती है अगर एक लिमिटेड मात्रा में हो, क्योंकि सी वीड जो है वो मरीन लाइफ के लिए एक हब बन जाती है, उस पर वो फीड भी करती है। लेकिन जब ये सिस्टम बहुत बड़े हो जाते हैं, वीड बहुत ज़्यादा हो जाती है, तो ये कोरल्स को स्मॉदर कर देती है और काफ़ी ज़्यादा डैमेज कर देती है। ठीक है, क्लॉगिंग हो जाती है। तो इसका जो कॉज है वो अभी इंटायरली पता नहीं है, लेकिन सी वीड जो है वो मोस्टली जब न्यूट्रिएंट इन्फ्लक्स बहुत ज़्यादा हो जाता है, स्पेशली अमेजॉन रिवर से जब न्यूट्रिएंट इन्फ्लक्स हो रहा है, इसके अलावा वेस्ट अफ्रीका कोस्ट पे जो कोस्टल अपवेलिंग हो रही है जिसकी वजह से न्यूट्रिएंट्स और ऊपर आ जाते हैं, तो इन सब को रीज़न ठहराया जा रहा है। ऑल दो इसके लिए साइंटिस्ट ने कहा है कि इनको हायर रेजोल्यूशन सैटेलाइट डेटा चाहिए होगा टू बेटर अंडरस्टैंड व्हाट इज़ बिहाइंड द ब्लूम्स एक्सप्लोसिव ग्रोथ। तो ज्योग्राफी ऑप्शनल वाले इस न्यूज़ को खास ध्यान दें और इसको और डिटेल में पढ़ें कि ये जो सी वीट ब्लूम हुआ है बिगेस्ट इन द वर्ल्ड, इसके क्या डिटेल में कारण है या इस पर क्या रिसर्च चल रही है, ठीक है, और इसकी क्या इम्प्लीकेशंस हो सकती हैं, ठीक है, और इसका क्लाइमेट चेंज वगैरह से क्या लिंक है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, वाटर की बात करेंगे। तो दोस्तों आपको पता है कि डीसैलिनेशन प्लांट्स जो हैं वो दुनिया में काफ़ी कंट्रीज़ यूज़ कर रही हैं, स्पेशली इसराइल जो है वो वर्ल्ड लीडर है डीसैलिनेशन टेक्नोलॉजी में। डीसैलिनेशन टेक्नोलॉजी बेसिकली ये होती है कि समुद्र का खारा पानी लाकर उसमें से नमक निकाल के उसको फ्रेश वाटर बना के वो आप कंजम्पशन के लिए यूज़ करते हैं। ठीक है, तो ये बेसिकली टेक्नोलॉजी है। इसके अंदर टेक्नोलॉजी रिवर्स ऑस्मोसिस की लगती है। एक प्लांट जो है वो सॉल्टी वाटर पंप करता है, एक फिल्टर जो है वो सॉल्ट को सेपरेट करता है, सॉल्टी वाटर अलग पंप आउट हो जाता है और फ्रेश वाटर जो है वो यूज़ हो जाता है। तो दोस्तों चेन्नई के अंदर वाटर क्राइसिस बहुत टाइम से चल रहा है, तो 2010 और 2013 में सरकार ने दो डीसैलिनेशन प्लांट्स लगाए थे। एक लगाया था मिंजूर में जो कि 30 किलोमीटर है नॉर्थ ऑफ चेन्नई, और एक लगाया था नेमेली में जो कि 50 किलोमीटर है साउथ ऑफ चेन्नई। दोनों मिलके लगभग सिटी की एक चौथाई रिक्वायरमेंट जो है उसको फुलफिल कर देते हैं। तो इस सक्सेस के बाद सिटी ने डिसाइड किया कि वो दो और प्लांट्स लगाएंगे, कैपेसिटी ऑफ 150 एमएलडी और 400 एमएलडी। ये अभी फ्यूचर के प्लान्स हैं। देखा देखी गुजरात के जो सीएम हैं उन्होंने भी अनाउंस किया पिछले साल कि वो 100 एमएलडी आरओ प्लांट लगाएंगे जोडिया कोस्ट जामनगर डिस्ट्रिक्ट में फॉर द ड्रॉट प्रोन सौराष्ट्र रीजन। इसके अलावा सिमिलर साइज के जो प्लांट्स हैं वो द्वारका, कच्छ, दहेज, सोमनाथ, भावनगर और पीपावाव में भी लगाए जाएंगे, सारे कोस्टल जगहें हैं। तो दोस्तों डीसैलिनेशन प्लांट्स जो हैं वो काफ़ी ज़्यादा लग रहे हैं, लेकिन इसके कुछ नेगेटिव बातें हैं जो कि डिस्कस करने के लिए मैंने ये डाला है, क्योंकि अभी तक की जो इन्फॉर्मेशन है वो मोस्टली आपको पता होगी, लेकिन इसका जो क्रिटिसिज्म है वो काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो दोस्तों सबसे पहला क्रिटिसिज्म इसका इंपॉर्टेंट जो है वो ये है कि जो आपने सॉल्ट इकट्ठा किया इसमें से फ्लश आउट करके, उस ब्राइन मतलब हाईली कॉन्सेंट्रेटेड सॉल्ट वाटर को ब्राइन बोलते हैं, ठीक है, उसको डिस्पोज ऑफ करना एक बहुत बड़ा चैलेंज है। तो यूजुअली क्या होता है, इसको शोर्स पे छोड़ देते हैं और वो शोर्स पे डिपॉजिट हो जाता है। इससे क्या होता है कि जो मरीन लाइफ है वो एडवर्सली इम्पैक्ट होती है। तो चेन्नई सी शोर में पाया गया कि इन प्लांट्स के पास जहाँ पे ब्राइन बहुत इकट्ठा हो रखा है वहाँ पे प्रॉन, सार्डीन और मैकरल की जो अवेलेबिलिटी है वो काफ़ी कम हो गई है। और हाइपर सैलिनिटी जब हो जाती है ये प्लैंकटन को भी अफेक्ट करती है, विच इज़ द मेन फूड फॉर सेवरल ऑफ दीज फिश स्पीशीज। तो एक तो प्रॉब्लम है इस ब्राइन की कि इसकी जो डिपोजिशन है उसके कुछ नेगेटिव बातें हैं। फिर दूसरा प्रॉब्लम ये है कि जो इस प्लांट की हाई प्रेशर मोटर्स होती हैं वो सी वाटर ड्रॉ करती हैं, और कई बार इसके अंदर जो स्मॉल फिश और लाइफ फॉर्म्स हैं वो भी सक हो जाती हैं और वो मर जाती हैं, तो मरीन लाइफ जो है वो काफ़ी अफेक्ट होती है इससे, ठीक है। तीसरा जो इंपॉर्टेंट क्रिटिसिज्म है वो है टोटल डिजॉल्व सॉलिड्स का। आपको पता है जो हम पानी पीते हैं उसमें कुछ मिनरल्स होते हैं, विटामिन्स होते हैं, सब चीज़ें होती हैं, लेकिन डीसैलिनेशन प्लांट जो होता है ये जो पानी फेंकता है बाहर फ्रेश वाटर, उसमें टोटल डिजॉल्व सॉलिड्स जो होते हैं वो काफ़ी कम होते हैं। इसका कारण ये है क्योंकि डीसैलिनेशन प्लांट्स जो हैं दे टेंड टू, मतलब TDS जो है अगर वो हायर क्वांटिटी में होंगे तो वो प्लांट की वॉल्स को करोड कर देंगे, ठीक है। तो आइडियली जो है ट्रीटमेंट प्लांट जो है वो TDS को लो रखता है, ठीक है, तो इस वजह से लो पानी आता है, तो इसका हेल्थ पे भी जो बेनिफिशियल पानी, जो नेचुरल वाटर होता है उसका जो बेनिफिशियल इफेक्ट होता है वो इस पानी से नहीं मिल पाएगा, ठीक है।
बायोडाइवर्सिटी में एक और इम्पॉर्टेंट बात करेंगे, प्लान बी जो है, प्लान बी बेसिकली है कि रेलवे ट्रैक्स के अराउंड साउंड जो है, बीज की साउंड जो है वो निकालने का सिस्टम। उससे साउंड से क्या होगा कि अगर एलिफेंट्स जो हैं, वाइल्ड एलिफेंट्स जो हैं, वो रेलवे ट्रैक से भाग जाएंगे, क्योंकि हनी बीज की आवाज़ से एलिफेंट्स को इरिटेशन होता है, ठीक है, और वो सेंसिटिव हैं टुवर्ड्स दैट साउंड। तो प्लान बी बेसिकली एक एम्पलीफाइंग सिस्टम है जो कि हनी बीज की बज को इमिटेट करता है, और इससे क्या है, वाइल्ड एलिफेंट्स जो हैं वो रेलवे ट्रैक्स में नहीं आएंगे और बच जाएंगे, ठीक है। तो इस प्लान के लिए नॉर्थ ईस्ट फ्रंटियर रेलवे को बेस्ट इनोवेशन अवार्ड मिला है इंडियन रेलवेज के द्वारा। तो ध्यान रखें, प्लान बी काफ़ी अच्छा स्टेप है, बायोडाइवर्सिटी प्रोटेक्शन की बात आती है तो काफ़ी इनोवेटिव चीज़ है ये। आगे बढ़ते हैं, एथिक्स की बात करेंगे। दोस्तों, इन्वायरमेंटल इम्पैक्ट असेसमेंट अथॉरिटीज़ के अंदर रिसेंटली कुछ बातें हुई पिछले हफ्ते। तो एक्सपर्ट कमिटी, अभी इन्वायरमेंट इम्पैक्ट असेसमेंट कैसे होती है, तो MEOF जो है वो एक्सपर्ट कमिटीज़ कॉन्स्टिट्यूट करता है EIA करने के लिए, और अगर साइज प्रोजेक्ट का जो है वो थोड़ा छोटा हो तो वो स्टेट लेवल अथॉरिटीज़ जो हैं वो उसको अप्रेजल करती हैं, स्टेट इन्वायरमेंट इम्पैक्ट असेसमेंट अथॉरिटी। मार्च 2016 में मिनिस्ट्री ने कहा कि अगर प्रोजेक्ट का जो साइज़ है वो अप टू 5 हेक्टेयर्स है ऑफ इंडिविजुअल माइनिंग लीज ऑफ माइनर मिनरल्स एंड 25 हेक्टेयर्स इन क्लस्टर्स, तो उन केसेस को डिस्ट्रिक्ट इन्वायरमेंटल इम्पैक्ट असेसमेंट अथॉरिटी जो है वो अप्रेजल करेगी, ठीक है। तो ये सिस्टम ऑलरेडी इन प्लेस है कि MOEF जो है वो एक्सपर्ट कमिटीज़ बनाता है सेंट्रल लेवल पे अगर प्रोजेक्ट बहुत बड़ा हो, मिड लेवल प्रोजेक्ट हो तो स्टेट लेवल वाली अथॉरिटीज़ करती हैं, और बहुत छोटा हो तो डिस्ट्रिक्ट वाली अथॉरिटीज़ करती हैं। अभी EIA नोटिफिकेशन 2019 आया, इसमें डिस्ट्रिक्ट EIA अथॉरिटी जो है इसका जो चेयरपर्सन है डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट को बना दिया गया है। तो दोस्तों, इसके अंदर एक प्रॉब्लम क्या है, इस प्रपोज चेंज में प्रॉब्लम है कन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट की। जो डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट होता है स्टेट में, ही इज ऑल्सो द डिस्ट्रिक्ट माइनिंग ऑफिसर जिसको माइनिंग लाइसेंस डीड्स को एग्जीक्यूट करने का पावर होता है, और इसके अलावा ये जो ऑफिसर्स होते हैं वो रेवेन्यू कलेक्ट करते हैं फ्रॉम माइनिंग एक्टिविटीज़। तो जाहिर सी बात है कि अगर आप DM को इन्वायरमेंट इम्पैक्ट असेसमेंट अथॉरिटी का भी हेड बना देंगे, अब क्योंकि वो रेवेन्यू कलेक्ट करने की रिस्पॉन्सिबिलिटी उनके पास है, तो जितनी ज़्यादा माइनिंग होगी DM के लिए अच्छा है, तो इसलिए हो सकता है कि वो इन्वायरमेंट वाला जो क्लियरेंस है वो भी ईजिली दे दें, क्योंकि उनको माइनिंग एक्टिविटीज से रेवेन्यू इकट्ठे करने के टारगेट्स होते हैं, ठीक है। तो ये एक बड़ा कन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट का केस स्टडी है जो कि आप अपने एग्जाम्पल के तौर पर यूज़ कर सकते हैं। इसके अलावा एक और क्रिटिसिज्म भी है कि DM के पास टेक्निकल एक्सपर्टीज नहीं है इन मैटर्स ऑफ एनवायरनमेंट एंड इकोलॉजी। दोस्तों, अब हम देखते हैं कुछ डेटा पॉइंट्स जो न्यूज में रहे, बहुत सिंपल, छोटे छोटे। CPCB सेंट्रल पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड 2015 का एक डेटा था कि इंडियन सिटीज जो हैं वो लगभग 15,000 टन प्लास्टिक वेस्ट हर दिन जनरेट करती हैं, और इसमें से 70% ऑफ प्लास्टिक प्रोड्यूस्ड इन द कंट्री दिस एंड्स अप एज वेस्ट, ठीक है। तो 15,000 टन हर दिन प्रोड्यूस होता है और 70% ऑफ प्लास्टिक एंड्स अप एज वेस्ट। तो नियरली 40% ऑफ द प्लास्टिक वेस्ट जो है वो इंडिया में ना ही कलेक्ट होता है ना ही रिसाइकल होता है, और इट एंड्स अप पोल्यूटिंग द लैंड एंड वाटर, ठीक है। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट डेटा है प्लास्टिक वेस्ट से रिलेटेड, आप लिख सकते हैं। फिर लेबर एंड अनएम्प्लॉयमेंट की बात करेंगे, तो पीरियोडिक लेबर फोर्स सर्वे का अभी अभी डेटा आया है, उन्होंने दो चीज़ हाईलाइट की है, श्रिंकिंग शेयर ऑफ द लेबर फोर्स एब्सोल्यूट लेवल पे और राइजिंग अनएम्प्लॉयमेंट। तो उन्होंने लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन रेट जो है वो कैलकुलेट किया, तो 2012 में वो 55.5% था, अब ये 49.7% है, कम हो गया है। इसके अलावा एब्सोल्यूट नंबर्स में भी डिक्लाइन है, पहले हमारे जो वर्कर्स थे वो 467 मिलियन थे, अब 461 मिलियन है, तो ये एक कॉज ऑफ कंसर्न है। दूसरा, ओवरऑल अनएम्प्लॉयमेंट रेट जो है वो 6.1% है, विच इज़ 2.7 times द सेम फिगर फॉर 2012। तो दोस्तों, ये कुछ इंपॉर्टेंट डेटा पॉइंट्स हैं जो कि आप अपने आंसर में ज़रूरत अनुसार यूज़ कर सकते हैं, और यही मैं इस सेट की जो है समाप्ति करता हूँ। और अगले हफ्ते मैं बिल्कुल कोशिश करूँगा कि संडे को, बिल्कुल जो शेड्यूल है हमारे इस वीकली की, मैं संडे को लेकर आऊँ ये वीडियो आपके लिए। और दोस्तों, यहाँ बताऊँगा कि ये PDF जो है वो आप डाउनलोड कर सकते हैं मेरे टेलीग्राम चैनल और फेसबुक ग्रुप से, दोनों का ही नाम IAS Prep with Mohit है।
इसके अलावा यू कैन ऑल्सो फॉलो मी फॉर इंटरेस्टिंग अपडेट्स ऑन फेसबुक, ट्विटर एंड इंस्टाग्राम. माई हैंडल इज जिंदलेट मोहित. तो दोस्तों बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद. ये वीडियो कैसा लगा कमेंट सेक्शन में लिखें और अपने सजेशन जो हैं वो मुझे कॉन्स्टेंटली देते रहें कि मैं इसको कैसे और बेटर करूं. और दोस्तों मिलते हैं अगले हफ्ते, तब तक के लिए ऑल द बेस्ट एंड वर्क हार्ड.